आज चूरू शहर के अंदर अलीगढ़ की जो घटना हुई ट्विंकल के साथ, उसके लिए चूरू शहर के अंदर एक आंदोलन कैंडल मार्च निकाला गया और उसके दोषियों को फांसी की सजा की मांग की गई। इन वर्षों में जो बच्चों के साथ बलात्कारियों का जो केस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार को इस कानून में बदलाव लाना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, तो आगे जो किसी इस प्रकार की घटना न हो। जो न्याय हुआ है, विभत्स कांड हुआ है, उसके लिए, उसकी गणना करने के लिए ऐसे कातिलों को कठोर दंड दिया जाए, मृत्युदंड दिया जाए, इसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और कैंडल मार्च निकाला है। ये विरोध प्रदर्शन चूरू के अंदर किया गया, इसका कारण यही है। अलीगढ़ के अंदर 3 साल की बच्चे के साथ जो रेप कांड हुआ और उसकी हत्या की गई, उसके विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमारी सभी की मांग ये है कि उनको फांसी की सज़ा नहीं बल्कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसे कांड ना हो, ये हमारी मांग यही है। भाई इनको भी मानवतावादी कह सकते हैं, ऐसे लोगों को तो उस बच्ची के, मेरे साथ यह है कि उसकी बच्ची के पिता के हाथों गोली दौड़ा देनी चाहिए उस लोगों को। उनको बीच सड़क पे उतार के उनको उनकी गर्दन काट देनी चाहिए ऐसी कातिल लोगों। हमारी केवल यही मांगे रहेगी कि उनको इस प्रकार की सजा दी जाए बीच चौराहे पे कि जिससे आगे भविष्य के अंदर कोई भी ऐसा काम ना। ट्विंकल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ट्विंकल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ट्विंकल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ट्विंकल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कठोर से कठोर दंड और निश्चित रूप से उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आगे भी सरकार से हमारी ये मांग है कि इस तरह का कठोर कानून लाया जाए कि ताकि कोई भी ऐसा कार्य करने से पहले 10 बार सोचे। इतना कठोर कानून होना चाहिए। आज इस सारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है और इसमें 2 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची के साथ इस तरह की बात हो जाना आज की कल्पना में नहीं आता। और जिन लोगों ने काम किया है उन सभी लोगों को गिरफ्तार करके उनको निश्चित रूप से फांसी की सजा उनका एक दंड होना चाहिए। धन्यवाद। नंबर चार हो गया भाई, हां कहां भी हो एक मिनट भाई, पीछे आई ओ पहलवान जी, थोड़ा ले तो बच गए पीछे आवे। आयो ले
Thank you.